प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अरुण यादव शनिवार को ग्राम गोराडिया पहुंचे, जहां पिछले रविवार कर्ज से परेशान एक किसान राज से जल खरे के द्वारा कीटनाशक दवा पीकर आत्महत्या कर ली गई। उस परिवार के सदस्यों से भेंट की। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान व कांग्रेस के पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि यह लगातार 14 वर्षों से जनता व अन्नदाताओं को मूर्ख बनाया जा रहा है, लेकिन सरकार द्वारा किसान को किसी प्रकार की सहायता नहीं दी गई। हम पूरे प्रदेश में किसानों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। यह संघर्ष किसानों का है, जो हमेशा जारी रहेगा। साथ ही पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता दिलाने की बात कही। ब्यूरो चीफ उमेश्वर ठाकरे, पुनासा, खंडवा। और उनके पदाधिकारी और विधायक महोदय पांचवे दिन कहीं पहुंचते हैं, इस पूरे घटनाक्रम को कहां से और कैसे देखते हैं, और इस संबंध में आपका क्या कहना है? पहले तो मैं आज परिवार को अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए आया हूं। दुखद घटना है। एक 4 एकड़ का लघु किसान अपनी इसकी जमीन सूखी है और निरंतर प्रयास कर रहा था वहां से उपज लेने की। सूखी होने के कारण 3-4 सालों से फसल नहीं हुई। सोसाइटी का कर्जा हो गया 1.5-2 लाख रुपया और किसान ने पीड़ित होकर आत्महत्या की है। देखिए, पूरे देश भर में ये स्थिति बनी और ये दुर्भाग्य है देश का कि चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, दोनों मुखिया हो, देश का मुखिया हो या प्रदेश का मुखिया हो, इतना असंवेदनशील है कि उनको किसानों की सुख दुख की कोई चिंता नहीं। मध्य प्रदेश किसानों की आत्महत्याओं के मामले में पूरे देश में हुआ। ये आंकड़े मैं नहीं कहता हूँ, आंकड़े NCERB के आंकड़े। लगातार मुख्यमंत्री, बार बार ये मुख्यमंत्री पिछले 14 सालों से इस प्रदेश की जनता को, अन्नदाता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली। मैंने अभी कलेक्टर से बात की, कलेक्टर को पता ही नहीं है। कलेक्टर मुझसे कहते मुझे जानकारी नहीं है। उनका ये स्टेटमेंट है कि मैं दिखवाता हूँ, चेक कराता हूँ। 18 तारीख को किसान की मौत हुई, आज 24 तारीख हो गई है, सरकार की तरफ से कोई हलचल नहीं है, SDM की तरफ से कोई हलचल नहीं। और इस जिले का प्रमुख अधिकारी मुझसे कह रहा है मुझे पता नहीं, मैं चेक करवाता हूँ। कांग्रेस का ये दुर्भाग्य है। हमने जो हम लोग मदद कर सकते हैं, छोटी मोटी राहत राशि हमने दी है। मैंने अपने साथियों से कहा भी है कि इसका पूरा प्रकरण बनवा के SDM से चर्चा करके जो भी राशि सहायता राशि, कांग्रेस क्या कदम उठा रही है, आगे क्या मिल सकती हूँ मिले। हम पूरे मध्य प्रदेश में किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, बड़े बड़े आंदोलन हम लोग सड़क पर करते रहे हैं। और ये संघर्ष किसानों का संघर्ष है, प्रदेश के अन्नदाताओं का संघर्ष है, इसको निरंतर हम लोग जारी रखेंगे। और मैंने कहा है कि जो लोग सीधे तरीके से बात नहीं मानेंगे, उनको दूसरे तरीके से बात मनवाने का भी हमको ज्ञान है। जिला प्रशासन इसमें संज्ञान नहीं लेगा तो दूसरा किसान का जो डंडा है उसका उपयोग भी करने से पीछे हटने वाले नहीं हम लोग। ये पूरी चीजें दिल्ली तो भेजेंगे, दिल्ली को हम पता है हमें, और पार्लियामेंट में भी इस बात को उठाने का हम लोग प्रयास करें। लेकिन सवाल ये है, देखिए मुद्दा ये है कि बार बार हो रहा है प्रदेश में और सरकार को चिंता नहीं है अन्नदाता की। अभी गेहूं की खरीदी चल रही है पूरे प्रदेश भर में, 2000 का समर्थन मूल्य सरकार ने तय किया है। हजारों ट्रैक्टर खड़े हैं मंडियों में, हजारों बैलगाड़ियां खड़ी है, समय पर ना तो उसका तुराई हो रही है। और जो वादा किया था इस मुख्यमंत्री ने कि 2000 का समर्थन मूल्य दूंगा, 1765 रुपए में खरीदा जा रहा है, बाकी 265 का कोई हिसाब किताब नहीं। और कब देंगे, कब मिले हमारे किसान को, इसका भी कोई पता नहीं। क्या कांग्रेस किसानों के इस मुद्दे को लेकर के कोई जन आंदोलन फिर से एक बार छेड़ेगी? निश्चित तौर पर मैंने अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर ये इस प्रकरण की सुनवाई नहीं होती और ये जो सिस्टम अभी खरीदी का जो जा रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है, उसको रेगुलर नहीं करेंगे तो जरूर हम आंदोलन।